अगर सिलेक्टर होते तो शिखर धवन को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में नहीं चुनते ये पूर्व भारतीय ओपनर। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज क्रिस श्रीकांत का कहना है कि वह इस साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए शिखर धवन की जगह केएल राहुल को टीम इंडिया में रखना पसंद करते। उन्होंने कहा है कि अगर सिलेक्टर होते तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए शिखर धवन को नहीं चुनता। शिखर धवन ने चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगी चोट के बाद वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय ओपनर की भूमिका लोकेश राहुल ने निभाई। अब श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में उनकी टीम इंडिया में वापसी हो गई है। शिखर धवन की गैर मौजूदगी में सीमित ओवरों में केएल राहुल क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के एक स्थान से लिए प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। वेस्ट इंडीज दौरे पर राहुल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारत के लिए ओपनिंग की है। राहुल ने अपने फॉर्मेट में सभी को प्रभावित किया है। वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन चोट लगने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्हें काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। अब भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में होने वाला पहला टी20 मैच बारिश की वजह से एक भी गेंद फेंके बिना ही रद्द हो गया। मैच के दौरान पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा है, श्रीलंका के खिलाफ रन मायने नहीं रखते हैं। अगर मैं चयन समिति का अध्यक्ष होता तो मैं टी20 विश्व कप के लिए शिखर धवन का चयन नहीं करता। उनके और केएल राहुल के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। श्रीकांत ने कहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाले ICC टी20 वर्ल्ड कप में शिखर धवन की जगह केएल राहुल को चुनना पसंद करते हैं। बता दें कि केएल राहुल ने शिखर धवन की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा के साथ मिलकर न केवल टीम को अच्छी ओपनिंग दी बल्कि शानदार पारी भी खेली। राहुल ने पिछले 3 T20 मैचों में 130 के स्ट्राइक रेट के साथ 62-11 और 91 रन की पारी खेली। वहीं दूसरी तरफ सैयद अली ट्रॉफी में चोटिल होने के पहले शिखर धवन ने 0, 9, 19, 35 और 24 रन थे। उनकी बल्लेबाजी को लेकर काफी आलोचना हो रही थी, लेकिन रणजी ट्रॉफी मैच में 103 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। शिखर धवन की वापसी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।